गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आफ्टर सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिमिलर ट्रायंगल के बारे में तो हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल नए ढंग का है। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम लोग पढ़े थे, अब सिमिलर रिटी के बारे में पढ़ेंगे। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है उसको सबसे पहले समझें। सबसे पहला है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, टू और मोर ज्योमेट्रिक फिगर्स व्हिच हैव सेम शेप एंड साइज, दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका साइज और शेप दोनों सेम होता है तब उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर, मींस इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, सभी तरह से बराबर हो। जैसे यहां दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, इसमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में जो है इसमें तीनों ये एंगल जो है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, तीनों एंगल बराबर है और तीनों साइड भी बराबर है। ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ, यानी सभी तरह से बराबर है, तीनों एंगल भी बराबर है, तीनों साइड भी बराबर है, इसलिए इसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोग पांच एक एक्जियम, एक कोरोलरी और तीन थ्योरम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहां देखते हैं कि सिमिलर फिगर किसको कहेंगे। जो हमको पढ़ना है वह है टू और मोर ज्योमेट्रिक फिगर व्हिच हैव सेम शेप, कंडीशन है सेम शेप बट डिफरेंट साइज, सेम साइज जो है सेम शेप डिफरेंट साइज, शेप जो है देखें दोनों ट्रायंगल को देखें दोनों का शेप सेम लग रहा है लेकिन साइज छोटा बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, एंगल एबीसी छोटा है एंगल डीईएफ बड़ा है लेकिन शेप एक ही है, इसलिए ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका शेप सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट हो ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं सिमिलर फिगर। अब यहां हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल में टू ट्रायंगल है एबीसी और डीईएफ जिसमें दोनों का शेप सेम है और साइज डिफरेंट है इसलिए दोनों सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जो फिगर कॉन्ग्रुएंट है वह सिमिलर हो सकता है लेकिन जो सिमिलर है वह कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। अब हम लोग को पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ एंड ओनली देयर आर टू कंडीशंस, फर्स्ट इज देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मीन्स दे आर इक्विएंगुलर, दो ज्योमेट्रिकल फिगर तभी सिमिलर होगा जब वह इक्विएंगुलर होगा, यानी एक फिगर का सभी एंगल दूसरे फिगर के सभी एंगल के बराबर हो, एंड देयर साइड्स आर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उसका साइड जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड वह प्रोपोर्शनल हो। ऐसे यहां दो ट्रायंगल लेते हैं एबीसी और डी एफ, इसमें जो है ट्रायंगल एबीसी में और डी एफ में एंगल ए एंगल डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है, और इसका साइड जो है ए बी बाय डी इक्वल टू बी सी बटा ई एफ इक्वल टू ए सी बटा डी एफ, ये प्रोपोर्शनल है यानी सेम रेशियो में है तब जाकर के दोनों सिमिलर होगा। अब आगे हम लोगों को एक दिया रहेगा इक्विएंगुलर दिया रहेगा तो प्रोपोर्शनल उसको प्रूफ करेंगे, अगर प्रोपोर्शनल दिया रहेगा तो इक्विएंगुलर प्रूफ करेंगे, यानी दोनों शर्त को हम लोग प्रूफ कर देंगे तो दोनों फिगर सिमिलर हो जाएगा, अदरवाइज नोट। अब हम लोग चलेंगे थ्योरम में और फिर थ्योरम से कोरोलरी पढ़ते हुए एक्सरसाइज पर चलेंगे। डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट बीपीटी, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर जो है और टेम्परेचर
दोनों बढ़ जाता है। चोरों का नाम सुनते ही क्या होता है, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है, इसीलिए इसका नाम है बीपीटी, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा, यानी थेल्स थ्योरम। लेकिन इसका वास्तविक नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज थ्योरम नहीं है, ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड बाय द लाइन इन द सेम रेशियो। हर थ्योरम का स्टेटमेंट याद करना जरूरी है, अगर स्टेटमेंट नहीं याद है तो सही से आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो स्टेटमेंट याद रखना जरूरी है। अब हम लोग इसको मान लेते हैं, लेट एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसमें हमको क्या करना है, डी एक लाइन बीसी के पैरेलल खींच देते हैं, तो प्रूफ करना है क्या, ए डी बट्टा डी बी इक्वल टू ए बट्टा ए सी, यानी लाइन डी जो है अदर टू साइड्स ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, काटता है। अब इसके लिए हम लोग प्रूफ करते हैं, एरिया ऑफ ए याद रखने के लिए इसको क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ए की ई को पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए बाय एरिया ऑफ बेड बी ई डी, एरिया ऑफ ए ई डी बटा एरिया ऑफ बी ई डी, यानी एरिया ऑफ एड बाय एरिया ऑफ बेड। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ गुने बेस गुने हाइट होता है, तो एरिया ऑफ एड लिखेंगे तो हाफ गुने ए डी गुने ई एफ बाय एरिया ऑफ बेड लिखेंगे हाफ गुने बी डी गुने ई एफ, और ये हाफ हाफ और ई एफ एफ कट जाएगा, बच जाएगा ए डी बट्टा डी बी, इसको इक्वेशन वन बना देंगे। फिर चलेंगे एरिया ऑफ एड बाय एरिया ऑफ सेड, एरिया ऑफ एड बाय एरिया ऑफ सेड, एरिया ऑफ एड बाय एरिया ऑफ सेड हाफ गुने बेस गुने हाइट, यानी हाफ गुने ए डी गुने डी जी हाफ गुने ई सी गुने डी जी, यानी ए बटा ई सी, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा डी जी बी जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए बटा ई सी हो गया। लेकिन हम लोग इससे पहले नाइन्थ क्लास में पढ़े थे, इफ टू ट्रायंगल लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन दे आर इक्वल इन एरिया। यहाँ जो है ट्रायंगल बी डी और ट्रायंगल सी डी जो है दोनों एक ही बेस डी पर है और सेम पैरेलल लाइन डी और बी सी के बीच है, इसलिए दोनों का एरिया बराबर है, इसलिए इक्वेशन थ्री में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बेड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सेड बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस डी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन डी एंड बी सी। अब एक टू तीन से हम लोग कंक्लूड करते हैं, हो जाता है ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए बटा ई सी, यही प्रूफ करना था, लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूफ द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। अब इसमें बहुत ही इजी है, मार्क्स लेना इसकी बहुत इजी है। सबसे पहले जो हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट तो लिखे ये स्टेटमेंट लिखे, ये स्टेटमेंट लिखने के लिए हाफ नंबर है, ये फिगर जो बनाते हैं ये हाफ नंबर का है, ये देन हैव टू प्रूफ जो है ये हाफ नंबर का है, कंस्ट्रक्शन जो करते हैं ये हाफ नंबर का है। अगर आपको प्रूफ नहीं भी आता है तो दो नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, स्टेटमेंट से स्टेटमेंट लिख देंगे, फिर हैव टू प्रूफ लिख देंगे, फिर फिगर बना देंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, दो नंबर तो इसी में आ गया, और दो नंबर हमारा जो है ये प्रूफ में है। प्रूफ में ऐसे फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ किए ये हाफ नंबर, सेकंड पार्ट प्रूफ किए हाफ नंबर, थर्ड पार्ट प्रूफ किए हाफ नंबर, और कंक्लूड करके रिजल्ट दिखा देंगे ये हाफ नंबर, यानी टोटल जो है थ्योरम वो चार नंबर का रहता है, कहीं भी एक नंबर नहीं है, ये पार्ट बाय नंबर मिलता है, अगर जो पार्ट आप छोड़ देंगे वो नंबर कट जाएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिखना है, करना है वेरी वेरी इजी। अब हम लोग इसका कोरोलरी है, इसका रिजल्ट है आठ जो हमको सवाल बनाने में काम आएगा वो अभी बतलाते हैं, उसको गौर से देखिएगा। चिल्ड्रेन अब जो हमको है इंपोर्टेंट रिजल्ट है,
फेज थ्योरम जो हम लोग पढ़े उससे 8 रिजल्ट हमको मिलता है और उसका सवाल बनाने में काम आएगा। जैसे ए बी सी कोई ट्रेंगिल है जिसमें डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो ये डी ई क्या करता है फेज थ्योरम से इसको ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में काटता है, यानी लेट ए बी सी इज ए ट्रेंगिल इन व्हिच डी ई पैरेलल टू बी सी, देन बाय टी टी, टी टी मीन्स बाय फेज थ्योरम ये करता है। डी ई क्या करता है दोनों साइड को ए बी और ए सी को सेम रेशियो में काटता है, यानी ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, नंबरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को नंबरेटर बना देते हैं, ये हो जाता है डी बी बटा ए डी इक्वल टू ई सी बटा ए डी। ये दोनों रिजल्ट से हम लोग सवाल बनाने में काम करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके। दूसरा कंडीशन है कि जब ये पैरेलल होता है तो क्या होगा दोनों एंगल कोरेस्पोंडिंग हो जाएगा और ए बी ई ए बी सी के सिमिलर हो जाता है तो इक्विएंगुलर हो जाता है, तब जो है साइड हो जाता है ए सी बटा ए बी, यानी ये ए बी बटा होल ए बी इक्वल टू ए ई बटा होल ए सी, ये होगा ए डी बटा ए बी इक्वल टू ए ई बटा ए सी। इसको जब कन्वर्ट कर देंगे यानी नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देंगे तो जगह ए डी बटा ए बी इक्वल टू ए सी बटा ए ई, ये सवाल बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक उसी प्रकार हम ले लेते हैं डी बी बटा ए बी इक्वल टू ई सी बटा ए सी, तो ये डी बी बटा ए बी इक्वल टू ई सी बटा ए सी और इसको कन्वर्ट कर देते हो जाता है ए बी बटा डी बी इक्वल टू ए सी बटा। अब दोनों ट्रेंगल सिमिलर है तो इसका तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगा, तब हो जाएगा ए बी बटा ए बी इक्वल टू ए बटा ए सी इक्वल टू डी बटा बी सी और इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा ए बी बटा ए बी इक्वल टू ए सी बटा ए इक्वल टू बी सी बटा डी, यानी ये 8 रिजल्ट हुआ और ये 8 रिजल्ट कोरोलरी कहलाता है, यानी मेन थ्योरम फेज थ्योरम जो है उसी से निकला हुआ है, कोरोलरी मतलब क्या सहायक थ्योरम, ये जो है रिजल्ट जो हमको सवाल बनाने में डायरेक्ट कम आएगा। डायरेक्ट लगाने से सवाल फॉर्मूला लगाने से क्या होता है सवाल कम समय में बन जाता है और समय की बचत होती है, इसको ध्यान रखना है।